तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे और बहुत ऊंचाई तक पहुंचते रहेंगे। अगर नहीं भी पहुंच रहे हो, बहुत जल्द पहुंचोगे। खुद पे मेहनत कीजिए, खुद पे भरोसा कीजिए। मैं आपका सिनेमा बॉय प्रेजेंटिंग माय चाइल्ड टू यू। चलो फिर शुरू करते हैं। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, तो दोस्तों आज हम मिलकर देखने जा रहे हैं फिर से एक ऑफिशियल ट्रेलर जिसका नाम है स्कैम 2003 द तेलुगु स्टोरी। तो बहुत मजा आने वाला है, तो आप सब आखिर तक बने रहना भाई। तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा थॉट जरूर कमेंट में ड्रॉप करना कि भाई तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा या क्या नहीं अच्छा लगा, क्योंकि तुम्हारा थॉट बहुत मैटर करता है यार। तुम जरूर कमेंट करो यार, पब्लिक देखती इतना ज़्यादा, तुम लोग सब देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो, तुम बताते ही नहीं हो कि भाई तुम्हें क्या अच्छा लगता है या क्या बुरा लगता है। तो जो भी चीज़ है भाई, जो भी चीज़ है, अगर तुम्हारे कुछ थॉट्स है मेरे रिगार्डिंग कि भाई आप ना इसके रिगार्डिंग वीडियो डालो आप या इसके रिगार्डिंग वीडियो डालो, आपका भाई आपका सुनेगा यार। तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा भाई, लड़कियों के भाई नहीं यार, तुम्हारा भाई, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा बात क्यों नहीं सुनेगा, सुनेगा ज़रूर। तुम सिर्फ कमेंट करो, ठीक है? और बस ये बोलूँगा कि भाई तुमको जो भी सही लगे ज़रूर कमेंट में ड्रॉप करना, और बिना कोई बकचोदी का चलो फिर शुरू करते हैं। तो चलो मेरे भाई और उनकी बहनों शुरू करते हैं भाई, बहुत मज़ा आने वाला है, बने रहो आखिर तक, एंजॉय करो। और तेलुगु स्टोरी मेरे को लगता है ना, ये क्या बोलते हैं, हर्षद मेहता का भी बड़ा बाप है बोलता है, उससे बड़ा सीन है बोलता है, बहुत बड़ा हर्षद मेहता से भी बहुत बड़ा सीन किया था इसमें। लेट्स सी भाई कितना बड़ा सीन है, क्या किया है, क्या होने वाला है इसमें, तो आखिर तक बने रहना, ठीक है? लेट्स गो, लेट्स गो, इन 3, 2, 1 सोनी लाइव। तेलगी के बारे में सुना है ना? तेलगी कोटा सिक्का है, कोटा सिक्का। तेलगी सांप है, तेलगी बहुत स्मार्ट है, तेलगी बना देता हूँ। कभी कभी ना आवाज कभी शॉर्ट हो जाए भाई। तेलगी के बारे में सुना है ना? की कान में आ रहा है। तेलगी कोटा सिक्का है, तेलगी सांप है, तेलगी बहुत स्मार्ट है, तेलगी पूरी रिस्क लेगा। मुझे तेलगी चाहिए। क्या नाम था? थानी मैडम है, अब्दुल, अब्दुल करीम तेलगी। अगर देश की अर्थव्यवस्था कुबेर का खजाना है तो स्टैंप पेपर उसकी चाबी। जैसे आप कायदे की भाषा समझते हो ना, वैसे मैं फायदे की भाषा समझता हूँ। सेविंग्स अकाउंट में कॉन्फिडेंस जमा करा के रखा है मैंने, कैश भी आ जाएंगे। मुबारक हो, बाप बन गए आप, स्टैंप पेपर फायदा हुआ है। हर्षद मेहता लगाओ। जिस दिन आपने सामने वाले की जरूरत तो समझ का बैकग्राउंड समझ लो, आपने धंधा समझ लिया। सरकार द्वारा अधिकृत स्टैंप पेपर्स अपराधियों के हाथ में कैसे आ सकते हैं? दिस इज ए स्कैम। टोटल क्या है? 30,000 करोड़। अरेस्ट अब्दुल करीम तेलगी नाउ। अभी आप भी अपना आंकड़ा बोल दो। 3। क्या आप कुछ बोले क्या? आवाज नहीं आ रही ठीक से। 3,00,000 भिजवाता हूँ। सब में और मेरे में बहुत फर्क है। मैं खिलाड़ी हूँ। खिलाड़ी आड़ भाई, आड़ आड़ आड़। कड़क कड़क क्या चालाक है ना बड्डा, क्या चालाक है, मतलब कितना आप कितना मांगे, क्या सुनाई नहीं थी, वापिस बोलोगे और उसको रिकॉर्ड करके। आड़ भाई मजा आ गया, मजा आ गया भाई, बहुत शॉर्ट था लेकिन बहुत अच्छा था, क्लियर था। तो देखते भाई इसका जो भी है, जब ये आएगा सीरीज, जब हम देखते भाई भी सीरीज ही होगा, हाँ सीरीज ही है, तो मज़ा आएगा। तो आप सब अपना ओपिनियन जरूर देना कि भाई ये कितना बड़ा स्कैम है, या कितना आपको क्या इसमें इंटरेस्टिंग लग रहा है, या क्या नहीं लग रहा है, या जो भी चीज़ है भाई, जो भी अपना जरूर कमेंट में ड्रॉप करना। और मेरे को लगता है ना भाई, जो सबसे बड़ा घपला किया ना, वो हर्षद मेहता है, क्योंकि उस सीरीज जब देखो आपको पता चलेगा, जो लोग ने देखा उनको पता है, जो लोग ने नहीं देखा उनकी रिगार्डिंग बोल रहा हूँ। तो आप जरूर जाकर सीरीज देखना हर्षद मेहता वाला, उसमें भी भाई जो घपला गया मेरे को, तो ये सबसे बड़ा घपला है, लेकिन जब इनको देखा 30,000 करोड़ भाई, मजा आएगा भाई। तो ये सीरीज आने दो, आप सब मिलकर, अपन सब मिलकर देखते, अपना ओपिनियन जरूर देना कि भाई तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगा। और बस ऐसी ही प्यार, ऐसी ही सपोर्ट करना, और बहुत मेहनत करना, बहुत सफलता को अचीव करना, और बहुत आगे बढ़ना, अपने और अपना परिवार का ख्याल रखना। मैं मिलूंगा आप सबसे बहुत जल्द। चलो फिर खुदा हाफिज़।